खबर चमोली जिले की है, जहां ताइक्वांडो की स्टेट टेबल प्रतियोगिता में जिले के 22 बच्चे कई वर्गों में प्रतिभाग करेंगे। ये जानकारी देते हुए कोच शुभम शाह ने बताया कि अंबेडकर भवन गोपेश्वर में बच्चों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 25 और 26 जून को देहरादून में होने वाले स्टेट लेवल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग में बच्चे भाग ले रहे हैं। बता दें कि वर्तमान में 70 से ज्यादा बच्चे ताइक्वांडो सीख रहे हैं। अभी तक 10 बच्चे ब्लैक बेल्ट हो चुके हैं। हाल ही में उज्जैन में हुए ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जिले से 6 बच्चों ने मेडल जीत कर जिले का नाम रोशन किया। और वहाँ पे काफ़ी अच्छी फाइट होगी, काफ़ी अच्छी वहाँ पे सब सब अलग अलग चीज़ों से खेलने आएंगे और वहाँ अच्छी अच्छी फाइट होती है। हम इस चीज़ का और हेगा गाड़ी के सब में फाइट खेलेंगे। यहाँ जगह चमोली यहाँ पे जो है उत्तराखंड से अपनी तैयारी करते हैं ताइक्वांडो को। मैं हम यहाँ के स्टेट लेवल पे जब हम गए थे ताइक्वांडो पे, यहाँ पे बहुत से बच्चे जिनमें कि हमने गोल्ड मेडल आए थे। उसके बाद हम यहाँ पे उज्जैन भोपाल के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि हम उज्जैन भोपाल नेशनल खेलने गए थे। भोपाल नेशनल में हमारे कुछ बच्चों के मेडल आए, जैसे कि मेरा था ब्रॉन्ज मेडल, यहाँ पे सही मोशन का सिल्वर मेडल था। जैसे प्रथम इस हमारे जो 41 से नीचे किलो वेट के थे उनका जो था सिल्वर मेडल यहाँ पे इनका। कम से कम 50 समथिंग बच्चे बॉयज सीखे हैं, कम से कम 20 समथिंग गर्ल्स सीखे हैं। अभी तक यहाँ से 10 बच्चे ब्लैक बेल्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट से 10 बच्चे ब्लैक बेल्ट हो चुके हैं। अभी हाल ही में क्या कहते हैं नासिक में आर्मी का ट्रायल होने जा रहा है, जिसमें यहाँ से 2-3 बॉयज जाएंगे, कपिलवीर, प्रथमेश और रोहन। इन तीनों से उम्मीद है कि इस बार की जो आर्मी का जो सिलेक्शन ट्रायल होगा, तो उसमें उम्मीद है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट से दोनों बच्चों का आर्मी के लिए सिलेक्शन हो सके।